अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शमशावान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ के खुदा अपनी रहमतें बेपाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ के आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौसीकी के हवाले से। मौसीकी सीखना बहुत मुश्किल काम होता है, उसी तरह उसको प्ले करना भी बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन सबसे पहले जब आप उसको आप सीख लेते हैं उसके बाद फिर आप उसको प्ले करते हैं। अब और मौसीकी के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको सीखना और उसके बाद बजाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये बात भी ऐड करती जाऊँ कि मौसीकी रूह की गज़ा है। अगर आपको सुरों का पता है और अगर आपको कहते हैं ना कि ताल पर अगर आप सही तरह गा रहे हैं तो अगर आप उस मौसीकी को या इंस्ट्रूमेंट को सुनते हैं, रागों को सुनते हैं और अगर आपको रागों का पता है तो लिटरली आपको सुकून मिलता है और आपका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। जिस तरह आप कोई एक गाना सुनते हैं तो आपका मूड चेंज हो जाता है, और अगर आप बहुत से सैड सॉन्ग सुनते हैं तो अगर आप सैड नहीं भी होते तो आप थोड़ा बहुत सैड होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह जो अब हम जो भी हम सुन रहे होते हैं मौसीकी में वो हमारी शख्सियत पर और ख़ास तौर पर हमारे मूड पर बहुत असरअंदाज डिपेंड करता है। और ये आपको बताते चले कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में डॉल्फिन के एक अहलकार मौजूद हैं जिन्होंने कोरोना वायरस जब बड़ा अरूज पे था, लॉकडाउन का वायरस था, हर तरफ लोग घरों तक महसूर थे, और उन्होंने क्या किया कि घर घर जाकर लोगों को आगाही दी और लोगों को एंटरटेन किया, गिटार बजाया और बताया कि हम पंजाब पुलिस आपके साथ हैं, तो काफी मकबूलियत भी इन्होंने हासिल की। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है ज़ाग़म अली जो कि बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, उनसे गिटार भी सुनेंगे और साथ ही साथ में उनकी जिंदगी के हवाले से भी बातचीत करेंगे कि उन्होंने गिटार किस तरह से सीखा। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, वेरी वेरी वार्म वेलकम ज़ाग़म अली, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा ज़ाग़म, मैंने पहले बात की है प्रोग्राम के स्टार्ट में कि जो म्यूजिक है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना बड़ा मुश्किल काम है, पहले आप उसको सीखते हैं उसके बाद फिर आप उसको प्ले करते हैं, तो आपने मुझे बताया कि आपने किसी से नहीं सीखा ये गिटार, तो किस तरह से ये सब कुछ आपने किया? जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे एक बात की थी कि बेटा जो आप इंटरनेट है ना, जो आप हमें फैसिलिटी जो हमें मिल गई है इसको अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ना चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी जो एक टीचर जो मिस कर देता ना वो भी आपको मिल जाएगी आपको वहाँ से। ठीक है, तो मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा और जो भी चीज़ मतलब के आपके रेगुलर लाइफ में जो होती है जो अट्रैक्टिव होती है ना उसके बारे में फिर मैं गूगल पे उसको ब्राउज करता हूँ और उसके बारे में जो चीज़ें सीखने वाली होती हैं उसको मैं सीख लेता हूँ। इसी तरह गिटार भी एक ऐसी चीज़ थी कि मैं पार्क गया हुआ था, मैं तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लड़के ना ग्रुप की सुरत में बैठे हुए थे और इस तरह ना प्ले कर रहे थे, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये गिटार है ये इसको भी देखना चाहिए कि क्या चीज़ है, क्या इसमें मैं प्ले कर सकता हूँ। तो वही बात हुई कि मैं अपना जैसे स्कूल से ऑफ किया मैंने तो घर गया, घर जाके मैंने अपना यूट्यूब ऑन किया और मैंने देखा पहला ट्यूटोरियल। अच्छा। जब मैंने ट्यूटोरियल देखा तो मैंने कहा यार कि इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। अच्छा। और फिर जब उसको ट्राई करना स्टार्ट किया, करते करते अब ऐसा टाइम आ गया कि एक अल्हम्दुलिल्लाह कि इस चीज़ के ऊपर भी ग्रिप आ गई। बेगम, इसके गिटार के अलावा इंटरनेट से आपने क्या क्या सीखा? मैंने इसके अलावा जिमनास्टिक भी सीखी थी। अच्छा। हाँ जी, और फुटबॉल भी सीखा मैंने, मतलब उसकी जो ट्रिक्स होती हैं जिसे फ्री स्टाइल हम कहते हैं वो भी सीखा। इसके अलावा फिर जैसे इंटरनेट पर ब्राउज कर रहे थे तो बॉडी बिल्डिंग मतलब फिटनेस की ना, फिटनेस फिजिक की ना वो भी वीडियोज आने लग गई। अच्छा। तो उसको देख के वो भी बहुत ज़्यादा ना मैंने उसको किया कि यार इस चीज़ को भी करना चाहिए, फील करना चाहिए, तो उसको वीडियोज देख के लाइक करते करते फिर उसको देख के जिमिंग भी स्टार्ट कर दी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक ऐसा शौक चढ़ा फिटनेस का के अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको भी साथ कंटिन्यू किया। ये मुझे बताइए कि मौसीकी में बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बिल्कुल, आखिर आपने गिटार ही क्यों चूज़ किया? इसकी जो साउंड जिसे कहते हैं ना अट्रैक्ट करना वो तमाम इंस्ट्रूमेंट से ना वो ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब कि कोई भी सुनता है ना गिटार तो एक मरतबा पीछे मुड़कर जरूर देखता है कि ये क्या चीज़ है, कौन प्ले कर रहा है इसे। क्या आप हमें सबसे पहले सुनाएंगे इस तरह गिटार पे बजा के? Thank you.
बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने प्ले किया गिटार और हमने एंजॉय भी बहुत किया। अच्छा, ज़्यादा। अच्छा ये मुझे बताइए ज़ख़म कि इंस्ट्रूमेंट्स में हम बात करते हैं गिटार की, गिटार आपको पसंद है, इसके अलावा भी कोई इंस्ट्रूमेंट पसंद है आपको? इसके म्यूजिक में पियानो स्टार्ट किया था। अच्छा, लेकिन वो मेरा ना इंजरी हो गई थी, अच्छा तो हल्के सी ना चोट लगी थी, बाइक गिर गई थी, उस वजह से ना मेरी जो लास्ट फिंगर है इसमें थोड़ा सा ना पेन स्टार्ट हो गया था, तो पियानो जो था ना वो भी मैंने क्लासेस स्किप कर दी थी, तो उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला, ध्यान भी नहीं दिया, तो मैंने फिर ये था कि एक इजी जो मुझे जिस पे ग्रिप हो गई भी थी वो गिटार ही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, अब इस गिटार को भी अपना प्ले स्टार्ट करना है, तो इस पे ऑलरेडी टाइम स्पेंड हो चुका था और मुझे था कि मैं हर एक को इसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ अपनी तरफ। अच्छा, कोविड का जो एनवायरनमेंट था और बड़ी टेंशन क्रिएट हुई हुई थी, आप तब किस तरह ख्याल आया कि लोगों को के पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, घरों में बेचारे कैद है, तो गिटार भी जाकर उन्हें एंटरटेनमेंट किया जाए, ये आइडिया किसने दिया आपको? स्ट्रेस से निकालने के लिए म्यूजिक एक बेस्ट वे है कि अच्छा ठीक है, कोई बंदा सैड है ना, तो उसको कैसे आपने उसको उसका माइंड डाइवर्ट करना है, तो आप इसी चीज़ को ना यूज़ करते हुए ना जो कोविड 19 है इसकी जो अवेयरनेस है आप वो लोगों को दो, और लोग अगर नहीं भी सुनना चाहेंगे ना तो गिटार के धुन से ऑटोमेटिकली वो ये जरूर देखेंगे, सुनेंगे, अट्रैक्ट होंगे और वो कहेंगे कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। ज़ख़म अब नेक्स्ट आप हमें क्या सुनाएंगे? Thank you.
बहुत अच्छा लगा, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा आपने प्ले किया। अच्छा जैकम, कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि अब जो है एल्बम होनी चाहिए इस पे और मैं एल्बम बनाऊँ, मैं इतना अच्छा प्ले तो कर रहा हूँ? जी रिमशा, जरूर। जब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हो रहे होते हो और आपको पता लग रहा होता है कि आपके अंदर बहुत चेंज आ रहा है और लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो फिर दिल में एक ऐसी चीज़ होती है कि यार नहीं, अब और इसको ना एक्सपोज किया जाए ताकि और ज़्यादा क्या नाम है, जैसे कहते हैं ना, करेज मुझे मिले और हम मोटिवेट होके डिफरेंट चीज़ें लोगों को एंटरटेन कर सकें। जो म्यूज़िक से वाबस्ता लोग होते हैं बड़ा नर्म मिजाज और बड़े नाजुक से होते हैं, और दूसरी तरफ आप पुलिस की जॉब कर रहे हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं सारा कुछ? एक तरफ म्यूज़िक नर्म मिजाज, वो दिल को छू जाने वाली वो जो कटार आप बजाते हैं, और दूसरी तरफ फिर पुलिस की जॉब आप फील्ड में कर रहे होते हैं ड्यूटी, तो किस तरह से हैंडल करते हैं सब ये? काफ़ी आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया, लेकिन इस चीज़ को ये सारा आपका ना माइंड पे होता है कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको अपने माइंड पे ग्रिप है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप किसी भी सिचुएशन को अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें थ्रू आउट फर्स्ट स्टेप से एंड स्टेप तक, एंड स्टेप तो ऑब्वियसली बात है जब आपकी रिटायरमेंट होती है, लेकिन तब ट्रेनिंग के अंदर जो उसका पहला स्टेप और लास्ट स्टेप होता है उसमें सिर्फ आपके मेंटल लेवल को कंट्रोल करना सिखाते हैं वो। सही। तो मेरे ख्याल से जो मैंने ट्रेनिंग ले चुकी है, ऑलमोस्ट 15 टू 16 मंथ्स की हमारी ट्रेनिंग थी, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा ये चीज को कि आपने अपने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, गुस्से में कैसे कैसे बात करनी है, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा जो चीजें हैंडल कर लेते हैं उन चीज को हैंडल कर लेता हूं मैं। बिल्कुल, एंगर मैनेजमेंट को सीखना और अपने गुस्से को और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना, ये तो पंजाब पुलिस हमें सिखाई देती है इन ट्रेनिंग। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, ये था हमारे आज का प्रोग्राम, और ज़ैगम आए यकीनन, जो उनका गिटार था हमने काफी महसूस हुए उनके गिटार से, और नए प्रोग्राम के साथ नए टैलेंट के साथ हाजिर होंगे। इसके साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल में रिमशा जाते जाते ज़ैगम से कुछ सुन लिया जाए, जाते जाते प्लीज कुछ कुछ वतन की मोहब्बत में भी आप कुछ अच्छा सा सुनाए, और कोई कोई मिली नगमा, कोई तराना, कुछ भी सुना। सोने धरती अल्लाह रखे, कदम कदम माँ बात, कदम कदम माँ बात तुझे, कदम कदम माँ बात। सोने धरती अल्लाह रखे, कदम कदम माँ बाप, कदम कदम माँ बाप तुझे, कदम कदम माँ बाप। सोने धरती अल्लाह रखे, कदम कदम माँ बाप, कदम माँ बा तुझे, कदम कदम माँ बा।